नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में लगातार हो रही है वृद्धि। इस पूरे अभियान के नरोत्तम मिश्रा हैं सूत्रधार। भारतीय जनता पार्टी की चल रही है लहर। छिंदवाड़ा से लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू को आगे बढ़ने पर दी बधाई। कांग्रेस से भाजपा में आए सभी लोगों का किया स्वागत। ये सिलसिला लगता रहेगा जारी क्षेत्र के विकास के लिए जो भी काम की बात करेंगे निश्चित रूप से विकास के कार्य करेंगे। परिवार में लगातार वृद्धि हो रही है। हमारे शुभंकर अध्यक्ष माननीय विजय शर्मा जी, मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि ये हमारा अपना परिवार माननीय नरोत्तम जी हमारे इस पूरे अभियान के सूत्रधार है। मैं भी आपका भी स्वागत करता हूँ कि आपके नेतृत्व में लगातार परिवार बढ़ रहा है। हर जिले से कौन सा जिला बच रहा है हम सबको मालूम है। आप जिस दिन से सर्वे आ रहे हैं लोग छिंदवाड़ा बताते थे, लेकिन अब छिंदवाड़ा से भी लगातार हमारे बीच, अब सही जाफर जी भी हमारे बीच पधार रहे हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की एक लहर चल रही है और जितनी बड़ी एक तरह से लाइन है कि हमको अब अपने परिवार में सम्मिलित करने में भी लिमिटेड लोगों को, माननीय सतीश जी यहाँ मौजूद है, भगवान दास जी है, बंटी भाई है, बंटी आप तो आप आगे बढ़ो, पूरा छिंदवाड़ा आपके साथ है, चिंता की कोई बात नहीं। हमारे चिंतामन मालवीय जी, आशीष जी, संदर पटेल जी, सारे मित्रों के साथ आज मैं सभी लोग, खास करके हमारे शहीद भाई, फिर ये मनीषा दुबे जी, पथरिया की बहन जी, हमारी प्रदेश की अभी कांग्रेस की महामंत्री है लेटेस्ट, और हमारे परिवार में आई, मैं आपका स्वागत करता हूँ। दिनेश श्रीधर जी, बड़े नेता कांग्रेस के, आपका भी स्वागत करता हूँ। और आलोट का तो रतलाम जिले में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष सब खाली कर गए, कुछ बचा ही नहीं। पूरा नाम पढ़ूंगा तो बहुत नाम हो जाएंगे, लेकिन ये अभी अंत नहीं है, अभी तो और काफी लोग बचे हैं, ये सिलसिला जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से भाजपा के परिवार में आपका सबका स्वागत है। हमारी सरकार आप सबके मनोभाव के अनुसार क्षेत्र के विकास के लिए जो जो भी काम की बात करेंगे निश्चित रूप से हर क्षेत्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम विकास के नए नए कीर्तिमान बनाएंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।